चलिए, एक त्रिकोणमिति संबंधी प्रश्न है जिसके अंतर्गत दिया हुआ है टेन इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, कितना दिया हुआ है। कह रहा है इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, कह रहा है इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, आज इसको सिंप्लीफाई करना है छोटा, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे लगाने के दो तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे आपको एक आसान तरीका बताएंगे करना क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रहा है कि टेन इनवर्स, देखो कॉस एक्स को आप लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई, क्योंकि कॉस टू एक्स का ये प्रसार होता है, इसे क्या होता है, कॉस टू एक्स का क्या है, प्रसार होता है, ठीक है। नीचे जो वन है आपको पता है कि सर ये आपने पढ़ाया था कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। अब वन को लिख सकते हैं कि टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब टेन इनवर्स ऊपर वाला आपको याद हो, सुन पड़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, दूसरे में क्या होता है ए प्लस बी। हम इसको सर्वसमिका की सहायता से तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ए ब्रैकेट में, दूसरा में हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपान क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू माइनस टू ए बी, यानी ए माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर है। यहाँ हो जाएगा कि कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, देखो माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, क्या मिलेगा टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटा में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई। जब ऐसा कभी भी कंडीशन आ जाता है तो आपको टेन ए प्लस बी के सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, यानी कॉस एक्स बाई टू से अंश और हर में क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग दीजिए यहाँ पे, हो जाएगा आपका कि टेन इनवर्स, हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, टेन इनवर्स देखिए जब कॉस से भाग दे कॉस में तो वन मिलेगा, साइन बटा कॉस करें क्या मिलेगा टेन एक्स बाई बटा में वन माइनस, यहाँ भी कॉस में कॉस भाग दीजिए एक मिलेगा, मिलेगा यहाँ का मिलेगा टेन मिलेगा, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन। अब देखो यहाँ पे इस तरीके और लिख सकते हो कि वन जो होता है वो टेन में पैतालीस अंश का मान होता है प्लस टेन एक्स बाई टू वन माइनस, यहाँ लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई, ये शुद्ध बन गया, मैंने यहाँ पे वन यहाँ पे गुणा कर दिया, वन को गुणा करिए भाग करिए कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए तो टेन इनवर्स सूत्र बन गया टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इससे क्या हो गया कट गया, आंसर कितना आएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये क्या हो गया आंसर हो गया, कर लीजिएगा।